आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें वो जिस डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चंस को बनाएंगे और क्वेश्चन नंबर हमारा है 11। देखो तो ये क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी एक बार बना भी चुके हैं, यहाँ पर बस एक नया चीज क्या है कि आपको लास्ट में y की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ती है जब x की वैल्यू 1 हो। ये चीजें हमको क्या करना पड़ता है, पुट करना पड़ता है और हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन निकालते हैं और ये पार्टिकुलर सोल्यूशन होता है क्योंकि आप तो कोई सी नहीं होता है, यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो बच्चे लोग, इसको हम लोग कैसे पहले इसका सोल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले आप लोग बताओ डीवाई बाई डीएक्स कितना होगा। तो तुम डीवाई बाई डीएक्स निकालोगे तो पहले तो तुमको डीएक्स डिवाइड करना पड़ेगा। डीएक्स डिवाइड करोगे तो डीवाई बाई डीएक्स, और डीएक्स डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा पूरी तरीके से एक्स माइनस वाई, और उसको उधर भेजो तो माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, और डीवाई यहां पर है तो इसको इधर भेजना पड़ेगा। तो ये एक स्टेप थोड़ा डायरेक्ट किया हुआ, मतलब ज्यादा भी नहीं। पहला स्टेप आप डीवाई बाई डीएक्स निकालोगे, इसको उधर भेज दोगे और डीएक्स नीचे ला दोगे तो डीवाई बाई डीएक्स का मान कितना होगा, ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। और ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है तो आप लोग पहले वहां तक चेक कर लेना, जैसे पीछे में वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कि ये सब चीजें में क्या होती है, एक से लैम्डा एक्स रखते हैं, वाई की जगह लैम्डा वाई, पूरा कैंसिल हो जाना चाहिए, डिग्री जीरो होना चाहिए, तो खैर वो आएगा ही। अगला स्टेप क्या होता है, वाई बटे एक्स को क्या मानते हैं हम लोग, हैं वी मानते हैं। वाई इज इक्वल टू फिर कितना हमारा होता है वी एक्स, फिर इसको डिफ्रेंसिएट करते हैं तो डीवाई बाई डीएक्स लिखते हैं, फिर ये डीवी बाई डीएक्स इंटू एक्स, और डीएक्स बाई डीएक्स करेंगे तो एक्स बचेगा, सिर्फ वी बचेगा। और ये वैल्यू को कहां पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो पुट कर दो तो डीवाई बाई डीएक्स ऊपर रखेंगे डीवी बाई डीएक्स इंटू एक्स प्लस वी। यहां देखो एक्स माइनस वाई है तो एक्स को तो छोड़ दो, लेकिन वाई की जगह पर हम वी एक्स रख सकते हैं, तो वी एक्स और एक्स प्लस वी एक्स। अब देखो एक्स और एक्स ऊपर और नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो देखो तो ऊपर नीचे से एक्स कैंसिल करोगे तो क्या क्या बचेगा, डीवी इंटू डीवी बाई डीएक्स इंटू एक्स, वी कैंसिल कर दो यहां से तो वी कैंसिल होगा, तो सॉरी वी नहीं एक्स कैंसिल होगा तो वन माइनस वी बचेगा, बटे में वन प्लस वी बचेगा, और ये प्लस वी इधर आएगा तो ये माइनस वी हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां हमारा हो गया डीवी बाई डीएक्स इंटू में है एक्स, यहां कितना होगा इससे मल्टीप्लाई कर दो माइनस वन माइनस बी है, इसका जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वन में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी ही रहेगा, और प्लस बी में माइनस बी से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी स्क्वायर होगा। सॉल्व करो बच्चे लोग, कुछ है नहीं, अब आ गया आपका ये माइनस बी हो गया, माइनस माइनस प्लस बी हो गया, ये माइनस बी और ये माइनस बी स्क्वायर, नीचे हो गया वन प्लस बी, बी और बी कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो देखो तो यहाँ पर डीवी बाई डीएक्स इंटू एक्स, इसमें सिर्फ बी वाला टर्म है, इसको इधर लेके आओ तो वन प्लस बी चला जाएगा ऊपर, नीचे में कितना आएगा तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस वन, हम माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों प्लस में हो जाएगा, तो माइनस वन प्लस बी स्क्वायर, और यहां डीवी को रखो और ये हो जाएगा डीएक्स अपॉन एक्स, बी अलग हो गया एक्स अलग हो गया। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, माइनस को रखो बाहर तो वन प्लस बी स्क्वायर और बी बटे में वन प्लस बी स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। अब यहां पर कुछ नहीं है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, सबको आता है, इसका कितना होगा वन बटे में वन प्लस बी स्क्वायर, टैन इनवर्स बी बोलते हैं इसको, ये तो टैन हो गया ना। यहां देखो इसमें नीचे को डिफ्रेंसिएट करेंगे तो टू भी हो जाएगा, ऊपर सिर्फ भी है तो टू से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तब हो जाएगा, अब नीचे को डिफ्रेंसिएट करेंगे तो पूरा ऊपर आ जाएगा, तो वन बाई टू लॉग मॉड वन प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा लॉग मॉड एक्स, और ये हो जाएगा हमारा सी। अब मुझे सी की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले एक मिनट पहले भी का मान पुट कर लो, भी की जगह पर वाई बटे एक्स, वाई बटे एक्स रख दो, और उसके बाद y का मान 1 और x का मान 1 पुट करके c का मान निकालते हैं, तो आओ उसको भी कर लेते हैं। देखो तो कितना हो गया, tan इनवर्स v के बदले में क्या लिखेंगे, y अपॉन x, 1 अपॉन टू log मॉड 1 प्लस वी स्क्वायर, मतलब हो गया वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, यहां पर हो गया log मॉड x प्लस c। चलो अब जो जो रखने के लिए कहा जाए रख दे रहे हैं हम लोग, y और x की जगह पर 1 रखना है तो जहां जहां y x दिख रहा है वहां पे 1 रख दो, तो पुट कर दो x इज इक्वल टू 1 व्हेन, सॉरी y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1,
तो यहां वन वन पुट करोगे तो टेन इनवर्स वन, और टेन इनवर्स वन पाई बाई फोर होता है। यहां वन और वन पुट करोगे तो वन वन कट के वन ही हो जाएगा, और वन प्लस वन हो जाएगा टू, यानी वन बाई टू लॉग टू। और यहां वन पुट करोगे तो लॉग वन का मान होता है जीरो, यानी सिर्फ सी बचेगा। सी की वैल्यू बच्चे लोग आपकी इतनी हो जाएगी, और यही वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन में, हमारा आ जाएगा आंसर। चलिए यहां पर पुट कर दे रहे हैं सी की जगह पर, देखो तो इसका आंसर कितना है, बुक में से कर लो तो इतना ही है कि और कुछ भी इसमें है, और इसको सिंप्लीफाई किया है। क्वेश्चन नंबर 11, यहां पर यही चीज है, पाई बाई टू लॉग टू, लॉग टू तो हमारे पास ये है। अच्छा यहां से लग रहा है टू कॉमन नंबर लेके कटा दिया, ठीक है आगे। हाँ हम यहां पुट कर देंगे, देखो ध्यान से, माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स वन बाई टू लॉग, इसका एलसीएम ले सकते हो आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर, और लॉग मॉड एक्स, और सी का मान पुट करोगे तो माइनस में है, माइनस पाई बाई फोर और माइनस वन बाई टू लॉग टू, क्योंकि आगे माइनस ये आगे माइनस में तो मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों माइनस में ही आ जाएगा। अब इसको थोड़ा ऐसे समझ सकते हो, आप चाहोगे तो यहां से सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला आपके पास प्लस, ये दोनों प्लस हो जाएगा, ये केवल माइनस में हो जाएगा और ये दोनों प्लस, माइनस में मल्टीप्लाई कर ही दे रहे, थोड़ा हमारा और भी छोटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो प्लस में हो जाएगा ना, टू टेन इनवर्स वाई बट एक्स, टू से मल्टीप्लाई करोगे माइनस टू माइनस तो खैर प्लस कर देगा, ये वन बाई टू कैंसिल भी हो जाएगा, लॉग वॉड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर, माइनस टू से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टू लॉग मॉड एक्स, माइनस टू से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई बाई टू प्लस में हो जाएगा, और माइनस टू से मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ लॉग टू है। बस आप इतना आंसर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इधर इसको इधर ला के इसको पावर में भेजोगे, लॉग एम प्लस एम करोगे तो एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, वो भी बना सकते हैं। चलो ये हो गया 11 का आंसर कंप्लीट। अब देखो 12 के आंसर में क्या हम लोग लिखेंगे, पहले देखते हैं 12 क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखो 12 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर डीवाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये डीएक्स, और ये कुल मिला के यहाँ पे जीरो है, और कह रहा वाई की वैल्यू वन पुट कीजिए और एक्स की वैल्यू जब वन हो, ठीक है तो एक काम करो, पहले डीवाई बाई डीएक्स निकालना पड़ेगा, तो डीवाई यहां लिखो डीएक्स से डिवाइड कर दो तो इसके बटे में डीएक्स, यहां डीएक्स इस कट जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, और आपको क्या करना है एक्स स्क्वायर से डिवाइड भी करना है, कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए छोटा और हो जाएगा, इससे डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा एक्स एक्स कट जाएगा तो वाई बटे एक्स बचेगा, और ये हो गया वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर। अगला स्टेप क्या होता है, वाई इज इक्वल टू भी एक्स मानते हैं तो वाई बटे एक्स जगह पर भी मानते हैं, तो बिल्कुल पीछे वाला चीज हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कितना आएगा, डीवाई बटे एक्स का मान कितना आता है डीवी बाई डी एक्स इन टू एक्स प्लस भी, ये चीजें तुम यहां पुट करो तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये डीवाई डी एक्स का ये जो मान है यहां पुट करते हैं डीवी बाई डी एक्स इन टू एक्स प्लस भी माइनस वाई बटे एक्स को भी मानते हैं, और ये हो गया भी स्क्वायर, तो फिर अब कितना हो जाएगा यहां पे, तो डीवी बटे में डी एक्स इन टू एक्स, इस भी को इधर लेके जाएंगे, पहले से माइनस भी है इधर जाएगा तो एक और माइनस भी, यानी कि माइनस टू भी और माइनस भी स्क्वायर इतना हो जाएगा, इसमें से भी वाला टर्म है बच्चे लोग इसको भी के साथ ले आओ, एक्स वाले को एक्स वाले के साथ रख दो, इंटीग्रेशन कर दो एंसर, तो क्या लिखोगे वन बटे में तो माइनस को छोड़ दे रहे उधर ही प्लस वाले को सिर्फ ला रहे, तो भी स्क्वायर प्लस टू भी, ये हो गया डीवी, ये हो गया डीएक्स अपॉन एक्स, और ये माइनस को यही छोड़ रहे हैं, माइनस को यही रख दिए प्लस वाले को कॉमन लेके यहां ला दिए, मतलब आप चाहेंगे देखे स्टेप और बढ़ा सकते हैं, भी स्क्वायर प्लस टू भी प्लस में लिख सकते हो, और माइनस को ही छोड़ के इसको नीचे ला दिए, अब इसको इंटीग्रेशन कर दो यहां से,
देखो इंटीग्रेशन करोगे तो वन ऐड करके वन घटा देना, क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला पर आ जाएगा वी प्लस वन का होल स्क्वायर और माइनस वन का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा डीएक्स अपॉन एक्स, ये तो लॉग वाला का ही होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, वन बाई टू ए होता है, लॉग मॉड एक्स माइनस ए बटे में एक्स प्लस ए, और ये हो गया माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस सी, तो वन बाई टू के कट गया आपके पास लॉग भी बटे में भी प्लस टू, ये कितना हो जाएगा माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस सी, वी की जगह पर पुट कर दे रहे वाई अपॉन एक्स, वाई बटे में एक्स लिखोगे तो यहां पर भी वाई बटे में एक्स होगा, तो एक्स एलसीएम लोगे तो यहां पर टू एक्स और फिर एक्स 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 ही कट जाएगा तुम्हारा, यानी कि जो बचा है अगर हम लिख दे रहे हैं फिर एक्स वाई की वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं, क्या दिख रहा है वन बाई टू लॉग ऊपर से वाई है बच्चे लोग नीचे से वाई प्लस टू एक्स माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस सी, चलो अब रखते हैं एक्स के जगह पर वन वाई की जगह पर वन, तो पुट करने जा रहे हैं वाई इज इक्वल टू वन कब जब एक्स इक्वल टू वन है, पुट कर लो y की जगह पर 1 रखोगे x की जगह पर 1 रखोगे तो 1 और 1 हो जाएगा नीचे 3, log 1 होता है 0, c की वैल्यू आपके पास हो गया इतना, अब c की वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे जो आएगा हमारा आंसर होगा, चेक कर लो आंसर आ रहा है कि नहीं, 1 by 2 log y बटे में y plus 2x minus log mod x plus 1 by 2 log 1 by 3, ये हमारा हो जाएगा पूरा आंसर। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12। तो y प्लस ये लॉग लेके हटा दिया, इसमें ब्लॉक था इसमें भी लॉग था इसमें भी लॉग था, और 2 से डिवाइड भी कर दिया, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा लॉग y बटे में y प्लस 2x, 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस 2 लॉग x, और यहां पर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो सिर्फ लॉग 1 बाई 3 आ जाएगा, इतना होगा। आप चाहोगे बच्चे लोग तो इसको पावर में भी भेज सकते हो, लॉग y बटे में y प्लस 2x, तो हम चाहेंगे तो एक काम करते हैं इस माइनस को ऊपर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा लॉग x स्क्वायर हो जाएगा, इस माइनस को मैं रखे सिर्फ 2 को भेज दिया ऊपर, लॉग 1 बाई 3, इसको तुम चाहोगे तो यहां पर भी भेज सकते हो log n प्लस log n log m into n, मतलब आप चाहेंगे तो सब कैंसिल कर सकते हैं log को यहां से, देखो हम कर ही दे रहे हैं, यहां पर है log y प्लस 2x, इसको इधर लाओगे तो log x स्क्वायर, और यहां पर है log 1 बाई 3, log m प्लस log n log m into n होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर y बटे में y प्लस 2x, अब दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं लोग हैं, कैंसिल कर देंगे लॉग लॉग तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर वाई, 3 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा वाई प्लस 2x, यही आंसर आ रहा है हमारा मुख्य आंसर, यही है। तो ये भी ठीक है, आप लोग बीच में भी छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हमको आंसर में एकदम बिल्कुल लास्ट तक लाके छोड़ना है, चल 12 हमारा हो गया कंप्लीट, 12 के बाद देखो 13 नंबर, x साइन स्क्वायर y अपॉन x माइनस y बाहर में है dx प्लस x dy इज इक्वल टू में है 0, इतना चीजें हमारे पास गिवन है बच्चे लोग, अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें आपको y की वैल्यू पुट करना है पाई बाई 4 कब व्हेन x इक्वल टू 1, एक्स का मान 1 रखे तो वाई के मान पाई 4 पुट करना, रख के देख लेना लास्ट में, पहले तो उसको आप सही से डिफरेंशिएट इसका सॉल्यूशन तो निकाल लो, पहले डीवाई बाई डीएक्स निकालो, पहले डीएक्स से डिवाइड कर दो, तो डीवाई बाई डीएक्स निकालोगे तो यहां पर हो जाएगा तुम्हारे पास डीवाई बाई डीएक्स, डीएक्स से डिवाइड करोगे तो ये डीएक्स खत्म हो जाएगा, इसको भेजना पड़ेगा इस साइड तो माइनस में आ जाएगा, और डीवाई बाई डीएक्स लिखोगे तो ये वाला एक्स बचेगा, ये वाला एक्स इसके बटे में आ जाएगा, यहीं पर हटा दो, x से डिवाइड कर दोगे तो x x कर देगा, सिर्फ साइन स्क्वायर y बटे x हो जाएगा, और यहां पे माइनस y बटे में x हो जाएगा,
माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस साइन स्क्वायर वाई बटे में एक्स, माइनस माइनस प्लस वाई बटे में एक्स। अगला स्टेप क्या करते हैं, वाई इज इक्वल टू मानते हैं वही वी एक्स वाला, मान लो वाई बटे एक्स को भी मानते हैं जो हम लोग, वाई इज इक्वल टू वी एक्स वैल्यू पुट करो, डिफरेंशिएट करने पर कितना आता है डीवाई बाई डीएक्स आता है, फिर डीवी बाई डीएक्स इंटू एक्स प्लस भी। ये बार बार स्टेप है इसलिए थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं इसके अंदर। तो इस चीजों को हम लोग कहां पुट करेंगे, ऊपर वाले इक्वेशन में रख देंगे। चलो रख के देखो कितना होता है, यहां पर हो जाएगा डीवी बाई डीएक्स इंटू एक्स प्लस भी, आप वाई बटे एक्स को भी माने तो माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर भी होगा, और वाई बटे एक्स को माने हैं भी, और ये भी और भी कैंसिल हो गया, सिर्फ साइन स्क्वायर भी बचा है, इसको इसके बटे में ले आओ इसके नीचे, तो माइनस साइन स्क्वायर भी और डीएक्स बटे में हो गया एक्स। अब इसको कर दो इंटीग्रेशन, आधा में आंसर अब तो वन बटे में साइन स्क्वायर भी हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर भी डीवी और डीएक्स बाई एक्स कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर भी, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस, तो माइनस पहले से ही है कॉट, माइनस प्लस हो जाएगा हमारा कॉट भी, और ये हो गया लॉग मॉड एक्स। चलो अब यहां पर क्या करना है, वाई के वी का वैल्यू पुट कर दो वाई अपॉन एक्स, अब एक्स वाई की वैल्यू को पुट करते हैं, वाई की जगह पर पाई बाई फोर, एक्स की जगह पर वन, यहां पर पाई बाई फोर पुट करोगे तो क्या लगता है पाई फोर कॉट पाई फोर वैल्यू वन होता है, एक्स जगह पर वन रखना है, कॉट पाई बाई फोर वन हो गया, लॉग वन हो गया जीरो, यानी कि सी इक्वल टू हो गया वन, और सी का मान यहां वन रख दो तो ये हमारा इसमें रख दो हो गया। तो ये हो गया 13 नंबर कंप्लीट, समझ में आ रहा बच्चे लोग, थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं थोड़ा जल्दी जल्दी बना भी रहे हैं। हेलो बच्चे लोग आवाज आ रही है सबको, जिसको इसको डाउट होगा ना बीच में पूछना, क्योंकि अब देख रहे हो कि एक ही तरह के सारे क्वेश्चंस ही हैं। सबको क्या करना है, पहले डीवाई बाई डीएक्स के फॉर्म में लिखना है, फिर क्या करना है, फिर वाई बाई एक्स को भी मानना है, तो वहां तक तो बिल्कुल सबसे बेस्ट स्टेप चल रहा है, इसलिए वहां का स्टेप को थोड़ा डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं। उसके बाद रही बात इंटीग्रेशन, मेन तो हमारा इंटीग्रेशन ही है, तो इंटीग्रेशन में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके रहते हैं, तो इसलिए सब चैप्टर काफी इजी भी होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 को कैसे बनाओगे, ये हमारा 14 क्वेश्चन है, कंडीशन क्या दिया हुआ है, तो व्हेन y इज इक्वल टू जीरो, सॉरी y इज इक्वल टू जीरो व्हेन x इज इक्वल टू वन। चलो पुट करते हैं इसमें क्या लगता है इसमें इसके सॉल्यूशन में, तो वही सबसे पहली बात जो आपको बताया गया, डीवाई बाई डीएक्स को रखिए सेपरेट कीजिए, डीवाई बाई डीएक्स को यहां रखिए, बाकी सबको उधर ले, तो y बटे में x cos x हो जाएगा y बटे में x। क्या लगता है अगले स्टेप में y बटे एक्स को मानते हैं भी बच्चे लोग, फिर से वही चीजें डिफरेंशिएट करके जितना था हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो डीवी बाई डीएक्स इंटू एक्स प्लस भी इतना ही आता है डिफरेंशिएट करने पे, y बटे एक्स के बदले में भी लिखते हैं, और फिर कॉसेक भी, ये भी कट गया तो कॉसेक से बचा है, तो भी वाले एक जगह लिखना होता है, तो भी को इसके नीचे लेके आ जाओ, और डीएक्स अपॉन एक्स, अब कर दो इंटीग्रेशन, वन बाई कॉसेक कितना हो जाएगा साइन, और साइन का इंटीग्रेशन तो सबको मालूम है कितना होता है, साइन का कितना होता है माइनस कॉस भी, और डीएक्स बाई एक्स का हो गया लॉग मॉड एक्स प्लस सी, भी का मान पुट कर दो अगले स्टेप में, भी की जगह पर क्या रख दोगे वाई बट एक्स, तो माइनस कॉस वाई बटे में एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस सी। चलो वाई की जगह पर जीरो पुट करना है एक्स की जगह पर वन, तो वाई की जगह पर जीरो पुट करेंगे तो कॉस जीरो होता है बच्चे लोग वन होता है, तो ये माइनस वन हो जाएगा, लॉग वन की वैल्यू जीरो, तो सी का वैल्यू हो गया माइनस वन, यहां पुट कर दीजिए जो आएगा आंसर, यानी कॉस वाई बटे एक्स हो गया लॉग मॉड एक्स माइनस वन, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ताकि पॉजिटिव हो जाए, ये हो गया हमारा आंसर। चलो 14 नंबर कंप्लीट, और एक लास्ट बचा हुआ 15 नंबर, मिटा दे रहे इसको,
नंबर देखो क्वेश्चन में क्या है, 2xy + y² - 2x² dy/dx = 0 है, कंडीशन क्या है, y = 2, x = 1। चलिए सबसे पहला स्टेप dy/dx निकाल दो, तो dy/dx कितना हो जाएगा, बाकी सबको आपको उधर भेजना पड़ेगा, उधर भेजोगे तो -2xy - y² और फिर dy/dx का मान निकालोगे तो ये तो इसी के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा, आप तो भेजेंगे सिर्फ ये दोनों को, तो ये चला जाएगा डिवाइड में तो -2x². चलो डिवाइड करिए दो, जब यहां तक ला दिए हो तो इसे डिवाइड करोगे बच्चे लोग तो माइनस माइनस कट गया, 2 2 कट गया, 1 x x कट जाएगा, तो y/x ही बचेगा। यहां देखो माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस 2 तो रहेगा ही, और y² / x² यानी कि y/x का होल स्क्वायर लिख दे रहे हैं। फिर से वही y/x को मानेंगे भी, याद रखना अगले स्टेप से यहां पर डायरेक्ट हो रहा है, y/x को भी मानेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करने पर आ जाता है dv/dx (2x + v). y/x को आप भी माने हैं 1/2, ये हो गया v² और v और v कट गए, तो क्या लगता है यहां पर v वाले पार्ट को इधर लेके आइए तो v² ऊपर है, इधर आएगा तो नीचे v² हो जाएगा, और ये नीचे भी है तो ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, dx/x सब कर दो यहां पर इंटीग्रेशन, कितना होगा चेक कर लो, v² नीचे है ऊपर जाएगा तो v^-2 हो जाएगा ना, तो -2 में 1 ऐड कर देंगे, -2 + 1 और log mod x + c। चलो कितना हो गया ये v^-1, नीचे भी आ गया -1, log mod x + c, तो माइनस है तो -2 को बाहर निकालो, और v^-1 है तो 1/v हो जाता है। अब v का वैल्यू पुट कर दो y/x, तो y नीचे रह जाएगा, x चला जाएगा ऊपर। चलिए जो जो वैल्यू कह रहा है पुट कर दीजिए, x की जगह पर 1, y की जगह, हाँ बोलो, v^-1 हो जाएगा, हाँ तो हाँ माइनस रहता है ना पावर, तो 1/v लिख सकते हैं उसको, है अब x की जगह पर 1 पुट कर दो, y की जगह पर 2 पुट कर दो, बस तो x के जगह पर 1 रखेंगे, y की जगह पर 2 रखेंगे, तो 2 2 कट के तो हो जाएगा -1, यानी इधर हो गया -1, यहां x पे 1 पुट करोगे तो क्या होगा, log 1 0 होता है हमेशा, तो c की वैल्यू आ गया -1 - 1 यहां रख दो, यही हमारा हो जाएगा आंसर, माइनस लेके कटा दो क्योंकि देख रहे हैं माइनस का संख्या ज्यादा दिख रहा है। बस कंप्लीट हो गया बच्चे लोग। अब दो क्वेश्चन हमारा 16 और 17 एमसीक्यू है, उसको भी बता दे रहे हैं, चलो उसको ध्यान से देख लो। 16 में क्या है, 16 में पूछ रहा है कि आपके पास एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि इस फॉर्म में दिया हुआ है, dx/dy और hx/y। तो जो x/y रहता है उसी में हम लोग किसको भी मानते हैं, तो x/y को भी मानते हैं, तो x² कितना हो जाएगा, vy। तो ऑप्शन चेक करो तो x = vy कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो 17 नंबर के क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों डिग्री सेम होता है ऊपर और नीचे, तो डिग्री सेम होता है इसका मतलब है कि हर जगह डिग्री सेम होना चाहिए। देखो हर जगह डिग्री सेम का कहने का मेरा क्या मतलब है समझा रहे हैं, जैसे मान लो कि पहला ऑप्शन ये है, क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है चेक करना है, तो क्या देखोगे, यहां पर एक्स की डिग्री 1 है, वाई की डिग्री 1 है, इसमें देखो तो इसमें कितना डिग्री होगा, ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट में डिग्री क्या होता है, 0 होता है, तभी तो x^0 का मान 1 होगा, तभी तो इस रूप के लिए 5 है, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री अलग अलग है, यहां पर डिग्री 1 है 1 है, यहां पर डिग्री 0 आ गया है, समय डिग्री सेम होगा तभी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है। देखो तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, यहां पर 3 है, देखो तो हर जगह डिग्री कितना है, इसका 1 इसका 1 कुल मिला के डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, लेकिन इसका डिग्री 3 दे दिया है, तो नहीं हो सकता, ये भी होमोजीनियस नहीं हो सकता है। सी देखो x² नहीं साथ x³ है और कितना है 2y² बच्चे लोग यहीं पर गड़बड़ आ गया, यहीं पर ये नहीं दिख रहा है, इसका 3 डिग्री इसका 2 डिग्री है,
तो ऐसे भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो सकता है। लास्ट देखो ऑप्शन नंबर डी, देखो तो कई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबका डिग्री सेम है, y पे डिग्री 2 है, x पे डिग्री 2 है, यहां पर 1 1 ऐड कर देंगे दोनों का डिग्री 2 हो जाएगा, यहां पे डिग्री 2, हर जगह डिग्री सेम है। हाँ, ये हमारा हो जाएगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया लेसन।